और दोस्तों कैसे आप सभी, ये है Redmi Note 13 5G। क्या आप लेना चाह रहे हैं Redmi Note 13 5G या लेना है या नहीं, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अल्टरनेट फोन्स कौन सा है, क्या खास है Redmi Note 13 में, प्रो में, प्रो प्लस में, प्रो लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए, और जैसे कि आपको बताया Redmi का प्राइसेस जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। यूजली Note 13 बिलो 15,000 ईजिली आ जाता था, प्रो सीरीज जो था वो 15-20,000 रखते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है 25-26,000 तक गया है प्रो सीरीज, प्रो प्लस उससे भी महंगा है। तो वहां पर चिपसेट भी अच्छा यूज किया है एक्चुअली, एंड कैमरा भी 200 मेगापिक्सल के ऊपर मिलता है प्रो सीरीज में। इससे बेहतर कैमरा, इससे बेहतर हार्डवेयर वहां पर मिलता है। अगर आप 4-5 हज़ार इससे ज्यादा डाल के लेते हैं तो डेफिनेटली प्रो देख सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल अभी Redmi Note 13 आपने सोच लिया है लेने के लिए, तो इसमें क्या खास है और अल्टरनेट फोन्स, इससे बेहतर फोन्स कौन सा है इस प्राइस रेंज में, मैं बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला चीज, Redmi Note 13 में आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट, और 6.67 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है क्योंकि इसमें DCI P3 100% सपोर्ट है, मतलब सारे कलर्स कवर कर देता है। तो देखने में 1000 निट्स ब्राइटनेस भी है, तो एब्सोल्युटली प्लस ए प्लस डिस्प्ले मैं कहूँगा फ्रॉम Redmi। तो इसी के लिए आप ले सकते हैं मोबाइल, क्योंकि ज़्यादातर आप स्क्रीन ही देखते हैं, स्क्रॉल मारते हैं। या दूसरा चीज़ है 108 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो इसमें f1.75 अपर्चर का लेंस लगाया है, मतलब कि थोड़ा लो लाइट कंडीशंस में अच्छा फोटोज आना चाहिए फ्रॉम Redmi। देखते हैं इनका प्रोसेसिंग एल्गोरिथम कुछ चेंज हुआ या नहीं, मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूजुअली Redmi फोन्स में मैं जो प्रोसेसिंग करते हैं इमेज क्वालिटी उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूं हमेशा। तो इस बार देखते हैं क्या कुछ इसमें चेंजेस हुआ है। एंड विद सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इन्होंने दिया है, आई थिंक काफी है 16 मेगापिक्सल का, तो आई थिंक बेटर फोटोज भी है। यह पोर्ट्रेट फीचर्स दिया है, सारे पोर्ट्रेट फीचर्स जो भी है डेप्थ कवर करने के लिए, ब्लर करने के लिए, तो ये इन्होंने कवर कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड सुपर स्लिम डिजाइन है, बहुत ही लाइट वेट, लाइट एंड सुपर थिन भी है, तो वो भी एक प्लस चीज है एक्चुअली। एंड 6GB 8GB कोई भी लीजिए आप, उसका डबल वर्चुअल रैम भी मिल जाता है आपको, वो भी बढ़िया है। कॉर्निंग ग्लास जो गोरिल्ला ग्लास कहते हैं वो 5 वर्जन का है, बेटर प्रोटेक्शन है ग्लास का। उसके साथ 33 वैट्स आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलता है, अडाप्टर भी 33 वैट्स नेटिव है, एंड 5000 mAh का बैटरी भी आपको मिल जाता है। तो Redmi Note 13 में इतना अच्छा है, जो नेगेटिव है वो अभी सुनिएगा। तो इसमें जो MediaTek का Dimensity 6080 प्रोसेसर यूज किया है वो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा, ड्रॉबैक लगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इजिली MediaTek Dimensity 7050 यूज कर सकते थे 7000 सीरीज का, तो बहुत ही अच्छा रहता वो। खैर इन्होंने ये यूज किया है तो वही थोड़ा पुराना चिपसेट मैं कहूंगा, आर्किटेक्चर भी 6 नैनोमीटर का है, अभी ऑलरेडी 4S Gen 2 आ गया है स्नैपड्रैगन से, एंड 7S Gen 2 भी आ गया है, वो सारा चीज प्रो प्रो प्लस में इन्होंने यूज किया है, तो इसमें फिलहाल आपको यही मिलता है। तो अल्टरनेट फोन्स में क्या कुछ मिल रहा है, देखिए पोको M6 Pro में सिमिलर फीचर सेट आपको मिलता है, लेकिन 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है वहाँ पर, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें, लेकिन अराउंड 12,000 रुपीज़ के लिए आपको M6 Pro मिलता है, मतलब इससे 5,000 कम, और बाकी सारा चीज़ है वेरी सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू दिस Redmi, क्योंकि उसी का सिबलिंग है। तो पोको M6 Pro भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फोन है। मोटरोला की तरफ से G54 5G 12GB 256GB वेरियंट आपको मिलता है इसी प्राइस रेंज में, तो वो भी बढ़िया फोन है फ्रॉम मोटरोला, उसमें भी बहुत अच्छा 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है वहां पर, अच्छा बैटरी बैकअप भी है, तो मोटरोला फोन आप जरूर देख सकते हैं। विवो की तरफ से IQOO Z7S, वो भी बहुत ही अच्छा फीचर सेट है, पैकेज कंप्लीट पैकेज, तो वो सारा चीज आपको अराउंड 15,000 रुपीज में मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ये Redmi वाले इन्होंने सोचा कि नाम है तो 17,000 रुपीज रख देते हैं इसका प्राइस, तो जो भी Redmi फैंस है वो ऑब्वियसली ले लेंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद आप सोच के लेना कि कौन सा लेना है, तो अल्टरनेटिव फोन्स मैं रिकमेंड कर दिया। सैमसंग की तरफ से M34 5GB है, आप वो भी देख सकते हैं सैमसंग का, तो वो भी बेटर फोन है, अराउंड 15,000-16,000 रुपीज में मिल रहा है वो भी। तो ये सारे फोन्स है, Realme का 11X भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इतने सारे फोन्स मैं अल्टरनेट रेकमेंड किया, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन चेक कीजिए लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग के लिए। तो ये सारे फोन में आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, कौन सा आप ले रहे हैं, इसके रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस भी बनाने वाला हूं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बने रहिए, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।